भारत में समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा पैदा हो गया। भारतीय मीडिया का बताना है कि समुद्री तूफान अब बम्बई से 120 किलोमीटर दूर है, जबकि साहिली शहर बम्बई में खतरे की रेड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ज़राए का बताना है कि समुद्री तूफान आज रात भारतीय रियासत गुजरात तक पहुँच जाएगा। दूसरी जानब पाकिस्तानी महकमा मौसमियात का बताना है कि समुद्री तूफान का खतरा कराची से टल गया है, लेकिन हफाजती इकदाम जारी हैं। पाक बहरिया फिशर कोऑपरेटिंग सोसाइटी, कराची फिश हार्बर समेत फिश फॉक और दीगर अदारे मुतहरक हैं, जबकि समंदर में मौजूद 1561 कश्तियों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। पाक बहरिया ने पेट्रोलिंग के साथ सहली पट्टी को बंद कर दिया है और 20 मई तक किसी को भी समंदर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महकमा मौसमियात का मजीद बताना है कि समंदरी तूफान शुमाल की जानब बढ़ रहा है। थरपारकर, उमरकोट, बदीन में गर्द हवाएं चलेंगी। सुबह के वक्त तूफान ठठा से 730 और कराची से 800 किलोमीटर फासले पर था।